न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि सर्वम तस्य सर्व तस्विद विभाति नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का पंद्रहवा मंत्र है जिसे हम आज की हराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो मंत्र कहता है न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम अर्थात न ही वहाँ सूर्य भाषित होता है न चंद्रमा और तारे नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि अर्थात न इसमें विद्युत भाषित होता है और कैसे भाषित हो सकता है अग्नि तमेव सर्वम अर्थात उसके ही निरंतर भाषित होने से सब कुछ तस्य भाषा सर्विदम विभाती अर्थात उसके प्रकाश से सब कुछ यहाँ भाषित होता है तो यहाँ पर यम कहते हैं कि वो जो स्थान है परम सुख का स्थान वहाँ पर न तो सूर्य भाषित होता है न चंद्रमा और तारे भाषित होते हैं अर्थात वहाँ पर सूर्य का भी प्रकाश नहीं पहुँचता चंद्रमा और तारों का प्रकाश भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता और न ही वहाँ पर विद्युत का प्रकाश पहुँच सकता है तो अग्नि का प्रकाश तो कैसे पहुँचेगा और फिर आगे वह कहते हैं कि वास्तव में जो है उसी के भाषित होने से निरंतर यहाँ पर सब कुछ वास्तव में प्रकाशित हो रहा है सब कुछ यहाँ पे प्रकाशमान जो होता है वह केवल उसके प्रकाशमान होने से ही होता है तो ये एक बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण आ, मंत्र है कठोपनिषद का इसका एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसको यदि हम समझ लें तो बहुत कुछ हम यहाँ पे समझ सकते हैं तो देखिए जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस पर प्रकाश डालते हैं तभी तो देखते हैं ना तो इस पृथ्वी पर यदि हमें कुछ भी देखना है तो वह हम कब देख पाएंगे केवल तभी देख पाएंगे जब सूर्य का प्रकाश हो या फिर चंद्रमा का प्रकाश हो या चलो तारों का प्रकाश हो तो भी जो है हम माल फोटो मल्टीप्लायर से देख भी लें उसको और नहीं तो ऐसा होता ही कई बार जब बिजली कड़कती है तो उस विद्युत से हम कुछ देख सकते हैं या अग्नि जला करके हम कुछ देख सकते हैं किंतु यम कह रहे हैं कि उनके प्रकाश जो है ये सारे जो प्रकाश है वहाँ पहुँच ही नहीं पाता उस स्थान तक पहुँच ही नहीं सकता वो प्रकाश क्यों नहीं पहुंच सकता क्योंकि उनका जो प्रकाश है वह प्रकाशित ही जिससे हो रहा है वह वो स्थान है अर्थात तो जो भी कुछ यहाँ पर प्रकाशित है वह प्रकाशित जिससे हो रहा है वो जो स्थान है वह ही है परम आनंद का स्थान तो ये बहुत ही व्यक्ति परक यहां पर, पर दृष्टिकोण है यदि कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे तो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया क्यों क्योंकि वैज्ञान जो है वह केवल वस्तुओं तक सीमित है वह केवल वस्तुओं को देखता है और वस्तुएं हमसे बाहर हैं वह वस्तुएं जो हैं वह बाहर की ओर प्रक्षेपित हैं और तो तो क्योंकि बाहर की ओर प्रक्षेपित हैं तो विज्ञान केवल बाहर की ओर देखता है तो वो सोचता है कि अच्छा ये सूर्य है इसका प्रकाश स्वयं से उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर जो है फिशन प्रोसेस हो रही है फ्यूजन प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में हाइड्रोजन मिलता है एक दूसरे से तो जी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है चंद्रमा का प्रकाश कैसे सूर्य का प्रकाश जो कि प्रतिबिंबित हो रहा है तो चंद्रमा का प्रकाश आ गया तारों का प्रकाश कैसे वही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की प्रोसेस हो रही है जिससे कि जो है वह प्रकाश उत्पन्न हो रहा है विद्युत जो है वह केवल एक एक जो बिजली की तरंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे उत्पन्न हो रहा है अग्नि जो है कम्बश्चन है उससे उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे जो है सोचा जाता है प्रकाश के बारे में विज्ञान में किंतु आप इसको और सूक्ष्म स्तर पर यदि देखें तो आप इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे आप इसको सूक्ष्म पर लेकर के जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एटम्स हैं जो कि अणु हैं जो कि एक दूसरे के साथ में परस्पर क्रिया कर रहे हैं अब इन अणु के भीतर जो है और सूक्ष्म पदार्थ हैं जो कि परस्पर क्रिया कर रहे हैं वो जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो कहाँ से आ रहे हैं वह कहाँ से आ रहे हैं आप बोलेंगे कि वह जो है आपकी ऊर्जा से आ रहे हैं परंतु पहले ही क्या बताया पिछले मंत्रों में क्या बताया कि ये जो सभी सभी जो ये सभी जो ये ऊर्जा का जो स्रोत है ये कहाँ से तो प्राण वायु वायुरग्नि बोला वायु रग्नि का मिश्रण ही तो प्राण है तो प्राण का कंपन ही ये तो है वास्तव में ये सब कुछ तो कहाँ से आ रहा है तो ये प्राण से आ रहा है वास्तव में और ये प्राण कहाँ से आ रहा है तो आप प्राण को देख लीजिए जो प्रश्नों पीछे तो उसमें बताया गया है कि प्राण जो है उसको तो प्रजापति ने उत्पन्न किया प्रजापति ने प्राण और रई का जोड़ा उत्पन्न किया वास्तव में प्राण ही है प्राण से ही रई उत्पन्न किया जो प्रश्नोपनिश्चित प्रश्ण बताया गया तो ये प्राण जो है वह ही तो ऊर्जा है इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वह ही प्राण है वास्तव में तो वो जो प्राण है वहां से उत्पन्न होता है सब कुछ प्राण ही जो है सूक्ष्म स्तर पर जो है इन सभी पदार्थों को उत्पन्न करता है और ये जो पदार्थ हैं वह ही फिर भाषित होने लगते हैं इन्हीं से फिर जो है प्रकाश उत्पन्न होता है प्रकाश क्या है वास्तव में प्रकाश भी तो फोटोन है ना फोटोन क्या है फोटोन भी एक प्रकार का सूक्ष्म सूक्ष्म एक कण है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ प्राण से उत्पन्न हो रहा है इसमें भार नहीं है वो माना किंतु ये भी तो वहीं से उत्पन्न हो रहा है तो ये सब कुछ जो है वह उसी के भाषित होने से हो रहा है तो परम पुरुष है जिसने कि सब कुछ यहाँ पर जिस जिससे कि यहाँ पर सब कुछ उत्पन्न हुआ है जब वह जागता है जब वह प्रकाश उत्पन्न करता है जब वह देखता है तभी ये सब कुछ उत्पन्न होता है जैसे ही वो दृष्टि डालता है प्रकृति पर तो प्रकृति में ये सारी क्रियाएं होने लगती हैं प्रकृति में प्राण का आवेग हो जाता है प्राण जैसी प्रवेश करता है प्रकृति में ये सब कुछ उत्पन्न हो जाता है तो वो स्थान यदि हम प्राप्त कर लें परम पुरुष में अपनी स्थिति प्राप्त कर लें तो वह ही वास्तव में परम आनंद की स्थिति है परंतु वो जो स्थान है वह ऐसे भाषित थोड़ी हो सकता है जिससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उस पर आप प्रकाश थोड़ी डाल सकते हैं जैसे हमारे नेत्र हैं देखते हैं परंतु नेत्रों को तो कोई देख नहीं सकता ना आप उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं किंतु तो आप नेत्रों को अपने को वास्तव में नहीं देख सकते ठीक इसी प्रकार से जो प्रकाशित कर रहा है सब कुछ उसको आप देख नहीं सकते उस पर प्रकाश नहीं डाल सकते क्योंकि वह ही तो स्रोत है ना अब आप क्या उसको घुमा के डालेंगे कैसे डालेंगे नहीं डाल सकते ना वहीं से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो ऊपर उसको प्रकाशित नहीं कर सकते आप तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उसको प्रकाशित नहीं कर सकते तो इसलिए उसका सीधा भान ऐसा होता नहीं है अंतर्दृष्टि के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है और कोई तरीका उसको प्राप्त करने का है नहीं उसकी प्रतीति ऐसे हो नहीं सकती है इसलिए वह निर्देश है तो ये बात हमको यहाँ पे समझ नहीं थी तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्रों को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं पर समाप्त करते हैं नमस्ते